दुर्गा महोत्सव समिति द्वारा गत 32 वर्षों से माता जी का चल समारोह और माता जी के स्थापना और गरबा आयोजन किया जाता है। ये राजगढ़ नाका स्थित एक शासकीय भूमि है, उस भूमि पर गरबा हो रहा था। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने यहाँ पर उस माता जी के पंडाल को तोड़ा गया और ये जमीन को चारों तरफ से फेंसिंग करके पीएससी विभाग को दे दी गई। इसके विरोध स्वरूप हमने निर्णय लिया है कि जब तक ये भूमि सार्वजनिक हित में दर्ज नहीं होगी, जब तक हम ऐसे कोई कार्यक्रम धार्मिक आयोजन नहीं करेंगे। मंडल का ये जो प्रतिवर्ष एक परिपाटी चली आ रही है चल समारोह की, भी जो है कि झाबुआ की एक पहचान बन चुका है, लोग इसमें कितना सहयोग कर रहे हैं? लोगों की बहुत मंशा है, हम लोगों के साथ में है। जन सहयोग के आधार पर ही इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। झाबुआ की जनता, झाबुआ के आसपास की जनता और साथ में अन्य लगे हुए जो राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहाँ के लोग भी यहाँ पर शिरकत करने आते हैं और यहाँ सहभागी बनते हैं। लेकिन राजनीतिक व्यवस्थावश इस तरह के पंडाल को तोड़ना ये ठीक नहीं है। और आज हमने जो पत्रकार वार्ता रखी उसमें मुख्य बात यह है कि हमारे झाबुआ के विधायक, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान कांतिलाल भूरिया द्वारा ये आरोप लगाया गया कि सार्वजनिक हित के ने दर्ज कराने के लिए लोगों की मंशा है कि उस पर कब्जा करना। मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये सार्वजनिक हित की जमीन होने पर कैसा कब्जा हो जाए। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे कि ये जमीन पीएचसी को देने के बाद उन्होंने कहा कि अनुमति लेकर आप कार्यक्रम कर सकते हैं, वो पीएचसी विभाग को दी किस लिए? भवन निर्माण के लिए दी गई, और यदि भवन बन जाएंगे तो गरबा और सार्वजनिक जो कार्यक्रम होते हैं हमारे जनजाति समाज का वो कैसे होंगे, वो जरा जनता को बताने की कृपा करें। थैंक यू। उसको लेके जो विवाद चल रहा है, जो बहस चल रही है, उसमें आपके ऊपर भी उन्होंने कुछ, आपने कुछ प्रेस नोट जारी किया, उसके लिए क्या मामला है पूरा? भाई राजगढ़ नाके वाली जमीन वो सरकारी है, पीएचसी की जमीन, जब कांग्रेस सरकार थी उस समय उनका कब्जा था, तो पीएचसी वालों ने कहा था कि हमारी जमीन वो कब्जा दे नहीं रहे हैं, तो फिर बाद में कलेक्टर को कह के वो जमीन खाली करवा के वापस पीएचसी को हवाले करी। तो ये कौन से गलत काम किया भाई? जमीन के ऊपर दुनिया भर का उल्टे सीधे काम करते थे भाई, कोई धार्मिक कार्यक्रम का तो आज भी कर सकते हैं, कोई मना थोड़ी है, मगर वो तो वहाँ पर बोला पूरी तरह से निजीकरण कर रहे थे जमीन का, और आगे चल के वो जमीन कब्जे करने के चक्कर में, फिर वहाँ के लोगों ने, आसपास वालों ने कहा कि ये आए दिन यहाँ पे उद्यम करते हैं, आए दिन जाना क्या क्या बना नारे लगाते हैं भड़कीले, तो इसको मना नहीं होना चाहिए, तो लोगों के लिए से जमीन वापस पीएचसी को दे दी है, तो पीएचसी में है और सार्वजनिक को अगर सामाजिक काम हो कर सकते हैं उसका, पर ये क्या जमीन के ऊपर कब्जे करते हैं, ऐसा काम करके फिर कब्जा कर लेते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने कहा था उसको। एक जो आपने प्रेस नोट में चंदा वसूली की बात की कि चंदा वसूली के कारण इस बार पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो उसी जमीन के ऊपर जब कार्यक्रम करते थे और पूरा दुनिया भर का जाना क्या क्या गतिविधियां चलाते थे, और जब भी बना कोई आता था सामान्य धार्मिक कार्यक्रम, चाहे बना होली के समय हो, चाहे हमारे दिवाली के समय हो, चाहे और किसी सार्वजनिक का, तो वो सारा चंदा इकट्ठा करते थे उस स्थान के नाम से कि वहाँ पे हमको कार्यक्रम करना है, और ये सब दूर जाके अपने अधिकारियों से 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लेते थे, रसीद कट्टे ले जाके रसीद लिख के देते थे, तो आपको देना पड़ेगा, अधिकारी साहब नहीं देंगे, व्यापारियों को डराते थे, उद्योगपतियों के पास जाके जाते थे बैंक वगैरह इधर उधर, आपको इतना देना पड़ेगा, ऐसे दादागी करके पैसे वसूल करते थे, लाखों रुपया इकट्ठा करते थे और थोड़ा बहुत यहाँ खर्च करके बता देते थे कि हाँ हमने कार्यक्रम किया, और सारा पैसा खा जाते थे। तो वो आज वो उनका चंदाखोरी का काम बंद हो गया, तो वो सारा आरोप हम पे लगा रहे, तो ये तो अपना दिशाहीन सारी बातें करते हैं, उनका तो कमाई का सोर्स बंद हो गया, तो इसलिए तकलीफ हो रही है, ये मैंने बात की है। उनका ये भी आरोप है कि भूरिया जी चर्च को और कब्रिस्तान को पैसा देते हैं, हिंदू समाज में सहयोग नहीं करते, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं होती, कोई कब्रिस्तान के लिए पैसा है, कोई कुछ नहीं, पर जहाँ जहाँ अगर चाहे कब्रिस्तान हो, अगर रोड उबड़ खाबड़ वहाँ पर जाए तो रोड के लिए अपन देते हैं, और उसी तरह से शमशान घाट हिंदू समाज का वहाँ भी, उसके लिए भी अपन ने कहा भाई।